आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बैठक को लेकर आज संभागीय कमिश्नर डॉक्टर अनिल सुचारी ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बताया गया है कि आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है, जिस संबंध में हितग्राही उन्मूलन संबंधी बैठक आज संभागीय कमिश्नर ने ली। इस दौरान हितग्राहियों से संबंधित सभी योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई, साथ ही सड़क बिजली और नाली के संबंध में भी जानकारियां एकत्रित की गई। इसके अलावा हितग्राहियों से संबंधित चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित होनी है, जिसके संबंध में संभागीय कमिश्नर द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हितग्राहियों से संबंधित चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई और नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य मीटिंग का 31 और 1 तारीख को राज्य स्तर पर होने वाली बैठक के संबंध में कमिश्नर साहब ने समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें कि हितग्राही मूलक विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई और जहां भी कमियां हैं उसको सुधारने के निर्देश दिए गए।